अखिलेश यादव आज सवेरे से ही बधाई ले रहे थे। सैफई में पहले अपने घर पर समाजवादी पार्टी नेताओं से मिले, फिर घर के बगल में बने पार्टी ऑफिस पहुंच गए। वहां कई जिलों के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। वैसे तो उन्होंने सिर्फ मैनपुरी के नेताओं को ही बुलवाया था। मैनपुरी की करहल सीट से वो पिछली बार विधायक चुने गए थे। कन्नौज में सांसद चुने जाने के बाद से उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। आज या कल में विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर वो इस्तीफा भी दे देंगे। इसके बाद वो दिल्ली चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से अखिलेश यादव बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके लिए उन्होंने बैठक में आए कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा बधाई दी है, पर लगे हाथ उन्होंने अगला लक्ष्य भी बता दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, आगे असली लड़ाई बाकी है। संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे जो कह सकते हैं बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे उत्साहित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पार्टी का अगला निशाना और लक्ष्य 2027 में हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों में बनाने का रहेगा। इसलिए अभी से 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि इस बार हमें 300 विधायक के साथ 2027 में यूपी में सरकार बनाना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सैफई स्थित पार्टी ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। यादव जी ने आगे कहा कि संविधान बदलने के मुद्दे पर जनता ने हमको, आपको, हम सबको सहयोग किया है, जिसके बदौलत समाजवादी पार्टी इतने बड़े जनमत के साथ आज देश की तीसरी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बेशक एनडीए में सरकार बना ली है, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर जो है खुशी नहीं दिखाई दे रही। जिन लोगों ने शपथ ली है वो भी खुश नहीं है और सरकार बनाने वाले भी खुश नहीं नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनडीए की सरकार बनने के बाद जनता में भी खुशी का एहसास नहीं है। अखिलेश ने आगे कहा कि केंद्र में सरकार बनाने वाले के चेहरे पर ही खुशी नहीं दिख रही है। अगर एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो निश्चित है कि जरूर देश में कुछ ना कुछ नया होता। वाकई में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो जनता को जरूर समझ में आता और कुछ नया जरूर देखने को मिलता। इंडिया गठबंधन देशवासियों को कुछ नया भी जरूर देने की कोशिश करती। केंद्र में नवगठित एनडीए सरकार से देशवासियों को कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। देखिए, ये गिनती की गिनती है, आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहली बार हारने के बाद ही इतने ज्यादा मायूस हो चुके हैं, जबकि समाजवादियों ने कई हार देखने के बावजूद मायूसी नहीं देखी है और आगे और भी ज्यादा कोशिश करी है। ये असल में समाजवादियों की ही निशानी होती है, संघर्ष के बल पर कामयाबी पाना ही असल समाजवाद है। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादियों की जीत का सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।